हेलो माय फैमिली, आज हम आपको दिखाएंगे कि जो एनिमल्स के जो पानी के जो टप आते हैं कितने रुपए के आते हैं, साथ पे हम लगाएंगे भी। जैसे अब बाहर के आपको पता है जो गली के जैसे गाय हैं कुत्ते हैं, तो वो अब गर्मी का मौसम आ गया है जिससे कि डिहाइड्रेशन उनमें ना हो, इसके लिए हम जो पानी के जो प्याऊ होते हैं वो हम लगा रहे हैं। साथ में हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे भी कितने प्रकार के वो टप होते हैं और साथ में वो कितने रुपए के आते हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट ड्रग एक्सपर्ट योगेश कुमार आपके फेवरेट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, यदि आप भी एक स्ट्रीट डॉग लवर हो या एनिमल लवर हो तो प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। देखिए, हम इस चैनल पर आपको मेडिसिन रिलेटेड वीडियो बनाते हैं जिससे कि उनकी टेक केयर हो सके। चलिए अब हम वहीं पे मिलते हैं जहां पर हम लेके आएंगे। देखिए, अब शाम का मौसम है, यानी अभी जो हम ये वीडियो बना रहे हैं शाम को बना रहे हैं, बाकी हम मॉर्निंग में लेके आएंगे। साथ में हम जो भी सीन होगा लगाएंगे भी हम इसी वीडियो में। तो चलिए हम वहीं देखते हैं जहां पर हम लेके आएंगे। देखिए, ये नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, इसको देखिए पानी की टंकी भी बोल सकते हैं या लाश भी बोल सकते हैं। देखिए, देसी भाषा में जो घर में ये यूज ली जाने वाली, जैसे गायों को या भैंस को, इसमें चारा भी डाल के खिलाया जाता है, बाकी इसमें पानी भी पिलाते हैं कई लोग। और नॉर्मली देखिए, जो इसका साइज होता है दो तरीके के होता है, जिसमें एक में जो नीचे छेद होता है जिससे कि पानी इजीली निकल सके, उसमें नॉर्मली ये मान लो क्या तो आप कपड़ा या पन्नी का यूज करके आप ब्लॉक कर सकते हो। एक होता है बिल्कुल उसमें ये मान लो कुछ नहीं होता, जैसे कोई टंकी होती है उसमें बिल्कुल नीचे से फ्लैट होता है, राउंड शेप में होता है। दो तरीके से ये नॉर्मली होते हैं, तो कभी भी आप लेने जाएं तो जो नीचे छेद ज़रूर देख कर लें, जैसे कि जो पानी का जो बहाव है वो नीचे से निकल जाए, क्योंकि रीफिल यानी दोबारा से भी भरना होता है खाली करके साफ़ करके दोबारा से, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, हमने दो ये लिए हैं पानी के बर्तन, तो एक तो हमने रखवा लिया है और अब एक ये हम रखवाएंगे। और साथ में देखिए, कभी भी आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी आप लें तो इसमें क्रेक ना हो, यानी कहीं से टूटा हुआ ना हो, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि यदि आपने ये मान लो क्रेक वाला ले लिया तो वो धीरे धीरे उसमें से पानी निकलता रहेगा, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। अब हमारे ये दोनों रेडी हो चुके हैं। देखिए, ये दूसरा भी रखा जा रहा है, ये साइड में हमारे दादा खड़े हैं जो हमारे यानी पापा के भी पापा हैं, जो ये मान लो जो एनिमल्स के लिए ये सबसे ज़्यादा सेवा यही करते हैं हमारे घर में। ये मान लो ये जो पक्षियों को दाना डालते हैं, गायों के लिए इन्होंने बहुत सारे ये मान लो कुंडी रखी हुई है, कुंडी का मतलब जैसे बर्ड्स के लिए छोटे जो बर्तन होते हैं वो, साथ में ये ऐसे और भी बहुत सारे रखे हुए हैं इन्होंने। साइड में मैं इसमें दिखाऊंगा भी आपको, साइड में रखा हुआ है। देखिए, एक हम यहाँ पर लगाएंगे, ये देखिए जस्ट ये मान लो रोड के ऊपर ही है, दो यहाँ पर एडवांस में पहले भरे हुए भी हैं, दादा के ही भरे हुए हैं, यानी हम हमारे दादा को बाबा बोलते हैं, तो दोस्त देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं। एक हम और रख रहे हैं, ये अब हम एक यहाँ पर रख दिए हैं। और इसको देखिए, कभी भी आप फर्स्ट टाइम भर हो तो ये मान लो इसको वॉश करके फिर ही आप इसको अच्छे तरीके से भरिए। अब ये देखिए, और दो लोग हमने यहाँ रखवाएंगे, इसके बाद में हमारे जो दादा हैं कुछ टाइम बाद में इसको फिल करेंगे, यानी दोबारा से इसको भरेंगे दो करके। और जो सेकंड है, हम वहाँ पर दूसरी जगह जा करके, अब देखिए एक हमने यहाँ हमारी जो गली है यानी घर के बाहर, घर के पास में तो रखा ही है, गली के बाहर भी हमने एक और रख दिया है, जिससे कि जो भी गायों के लिए कहीं पर भी ये मान लो कोई भी गाय, बछड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी किसी टाइम पर भी आकर पानी पी सके, जिससे कि उसकी जो प्यास है यानी जो अच्छी तरीके से वो पानी पिए, डिहाइड्रेशन उसमें ना हो,
इसलिए हम ये रख रहे हैं। और अब हम बताते हैं कि ये एक टब यानी जो एक ये पानी का कितने रुपए का आता है। देखिए उन्होंने नॉर्मली उन्होंने बोला था कि ये 370 रुपए का एक है, बाकी ये मान लो आप उनको बोलोगे कि भाई मैं ये मान लो घर के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, गायों के लिए ले जा रहा हूँ, तो ये मान लो एक 350 रुपए का ये नॉर्मली लग जाएगा। देखिए हमने पहले भी ये यूज लिया था तो हमने 350 रुपए का एक लिया है, तो आप भी ये मान लो लगाइए जिससे कि आपके आसपास में जो भी गाय हैं जो एनिमल्स हैं उनकी मदद हो सके। देखिए आपको भी पता है थोड़ी मदद आप उनके लिए कीजिए, यदि आप ये मान लो किसी की सोचोगे तो भगवान भी आपकी सोचेगा। तो प्लीज़ आप ये मान लो ज़्यादा नहीं आप ये लगाइए, यदि देखिए आपके पास में मान ले कि पैसे नहीं हैं तो मैं सेकंड वीडियो भी बना दूंगा जिससे कि ये मान लो आप घर पर भी जैसे छोटी कुंडी या जैसे छोटा कुंडा भी तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। Woo!